क्या मीडिया सरकार बनवा रही है? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूँ, राजनीति देख रहा हूँ, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, क्या बात करते हैं, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके उसके विवेक पर सवाल नहीं है, पूरी तरह उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक पूरा मीडिया का हाउस तीनों से बेहतर है। चार राज्यों का चुनाव, वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है? आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इनका जाएगा, आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं और आप नहीं समझा पाते देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। क्या हम नहीं समझा पाए? आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है, आप समझाते हैं ना जनता को? आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं आलोक शर्मा जी, जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए जनता क्या कह रही है, जरा मैं सुनता हूँ। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं सर्वे पर? बिल्कुल, मैं बिहार के नवादा में हूं और ग्रामीण इलाके में हूं। जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे हुआ है उस पर ये लोग क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्या कारण लग रहा है? काम बहुत कर रही बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पल रहा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के वो हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है। गाँव के लोग है, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है मोदी सरकार पे, कोई भरोसा रही है नहीं। इतना दिन से मोदी सरकार यहाँ क्या दिया बिहार में, क्या दिया? कुछ भी नहीं। 24 चुनाव में बिहार में लालू नीतीश का जलवा रहेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? नहीं, मोदी नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे साथ और भी गाँव के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम में नहीं कर। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलरा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, वहां पर जो जनता मौजूद थी आपके साथ, उनकी राय दर्शकों तक हमने पहुंचा दी। अब जरा हम छत्तीसगढ़ चल देते हैं। जेपी त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो जनता है उनसे पूछते हैं, ये बताइए एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 9 से 11 सीटें मिलती दिख रही है और कांग्रेस अगर मेहनत करती है तो 2 सीटें अपनी बचा पाएगी, नहीं तो खाता भी नहीं खुल पाएगा कांग्रेस का। क्या लगता है, मोदी की गारंटी काम कर रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आप देखें कांग्रेस का पूरा सुपरा साफ हो गया। और रही बात कि मोदी जी पर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग भरोसा कर रहे, मोदी जी की गारंटी है जो तीनों स्टेट में आया। अभी आप देखें पूरा उत्तर भारत हो या अब दक्षिण भारत की बारी है, मोदी मैजिक पूरे हिंदुस्तान में चल, मोदी मैजिक काम कर रहा है। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई वादे किए थे लेकिन वो वादे काम नहीं आए, कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली, तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर, 370 जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है? बिल्कुल सर, काम कर रहा है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और मोदी जी पे सब लोग भरोसा करते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी बोला है वो सब करके दिखाया है। मोदी पर भरोसा है, क्या लगता है कांग्रेस को जो है चिंतन मंथन की जरूरत है? कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती, वो चिंतन करने लायक रह ही नहीं गए हैं और जो मोदी जी गारंटी वही काम करेगी अब। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, सबको भरोसा है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसी तरह जो है लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी काम करेगी। क्या लगता है, गारंटी काम करेगी मोदी की? हाँ हाँ, जरूर काम करेगी मोदी जी की गारंटी।
बिल्कुल तमाम यहाँ पर ये भी बड़ा दिलचस्प है, रायपुर में जो लोग आपके साथ हैं ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं वहां पर बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, मोदी जी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि यहां बिहार में जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी तो वहां महागठबंधन के पक्ष में लोग नजर आ रहे थे जिनसे बातचीत की गई वहां मौजूद लोगों से, और हमारा सर्वे भी लगभग यही कह रहा है इन राज्यों को लेकर इसी तरीके का आकलन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।